अलहदाया टूर्स एंड ट्रेवल्स गुलबर्गा के जेर एहतमाम जब्बार फंक्शन हॉल रिंग रोड गुलबर्गा में आजिम ने उमरा के लिए उलमा इकराम की निगरानी में एक रोजा तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया जो बेहद कामयाब और आजिम ने उमरा के लिए निहायत मालूमती रहा। गुलबर्गा की मुमताज आलिम दीन मौलाना मोहम्मद जिलानी बखवी खतीब व इमाम मस्जिद सदर मोहल्ला मोमिनपुरा गुलबर्गा ने तरबियती खिताब करते हुए कहा कि उमरा व हज की सआदत के लिए अल्लाह ताला खुशनसीब बंदों का इंतखाब करता है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा की फजीलत व अजमत बयान करते हुए आदाब जियारत रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किए। मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन कासमी सदर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जिला गुलबर्गा ने उमरा के फजाइल और मसाइल बयान करते हुए आजिम ने उमरा पर जोर दिया कि वो अपना सारा वक्त इबादतों में सर्व करें, अपने लिए अपने अजीज व खारिब खुसूसन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दुआएं करें। मौलाना अहमद बिन मूसा हैदराबाद ने सफर उमरा के बारे में निहायत मालूमती खिताब किया और आजिम ने उमरा को तलकीन की कि वो उमरा के मुकद्दस सफर के दौरान सब्र व तहम्मुल से काम लें, जज्बात और गुस्से पर काबू रखें और सुकून व इत्मीनान के साथ मनासिक व इबादत अदा करें। इब्तिदा में मौला अली प्रोपराइटर अल हिदाया टूर्स एंड ट्रेवल्स गुलबर्गा ने बताया कि इस बार उमरा ग्रुप 103 आजिम ने उमरा पर मुश्तमिल है। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र के आजिम ने उमरा ग्रुप में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर की शाम 5:55 पर हैदराबाद से जिद्दा के लिए एयरलाइन की रास्त फ्लाइट रवानगी होगी, इसलिए तमाम आजिम ने उमरा को दोपहर 1 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचना लाजमी होगा। 29 अक्टूबर को रात 11:30 बजे एयरलाइन की रास्त फ्लाइट से हैदराबाद के लिए वापसी होगी। मौला अली ने अपनी जानिब से तमाम आजिम ने उमरा को हैंडबैग बतौर तोहफा तकसीम किए। अल हिदाया टूर्स एंड ट्रेवल्स के अलावा दीगर ट्रेवल्स से जाने वाले आजमी ने उमरा की कसीर तादाद ने उमरा तरबियती कैंप में शिरकत की। गुलबर्गा से एटीवी न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस की रिपोर्ट।